दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं नए वीडियो के साथ, शुरुआत करते हैं। दोस्तों आजकल झूठे केस का चलन सा हो गया है। बहुत सारे व्यक्ति आए दिन झूठे केसों में किसी को फंसाने की धमकी देते हैं, किसी को उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे व्यक्ति ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति की इज्जत को कैसे मिट्टी में मिलाए, इस व्यक्ति को किस तरह से बदनाम करे, इस व्यक्ति को किस तरह से समाज में इसकी छवि को खराब करे। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल चलन सा हो गया है कि झूठे केस में फंसाने की धमकी देना या उस पर गलत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करना। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि यार ये व्यक्ति हमें परेशान करता है, बहुत सारे पड़ोसी हैं जो लगातार उस व्यक्ति को लगातार झूठे केसों में फंसाते हैं, झूठे केस लगाते हैं, तो वो व्यक्ति परेशान सा हो जाता है। तो दोस्तों इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार इस प्रकार के क्राइम में या झूठे केसों में उलझाने की बात करता है या झूठे केस लगाने की कोशिश करता है, तो आप उस व्यक्ति को किस तरह से दंडित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को किस प्रकार से आप सजा दिला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कब तक हम इस व्यक्तियों से लड़ेंगे, कब तक इस व्यक्तियों से हम लड़ते रहेंगे। बहुत सारे व्यक्ति तो जैसे किसी ने केस उसके ऊपर कर दिया, झूठा केस उस पर लगा दिया, वो व्यक्ति जहां मौजूद ही नहीं था, वो व्यक्ति वहां उपस्थित ही नहीं था, तो उस व्यक्ति परेशान होकर कौन थानों के चक्कर काटेंगे, कौन कोर्ट के चक्कर काटेंगे, हाथ जोड़ के वो राजीनामा कर लेता है या पुलिस को पैसे दे देता है। दोस्तों ऐसा मत करो। अब आप ऐसा करोगे तो जो आपका पड़ोसी है आपका या किसी भी व्यक्ति से आपकी रंजिश है, वो व्यक्ति आप पर आरोप लगाता है, तो उसका सामना करो, उस व्यक्ति को दंडित करो। क्योंकि अगर आप गलत नहीं है तो आपको कोई सजा नहीं दिला सकता। लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं करोगे, आप जैसे आप किस व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, झूठा केस दर्ज करा दिया, तो कोर्ट तो संभव्य कोर्ट तो फाइन करेगी, कोर्ट तो आपको जेल की सलाखों में भेज सकती है, लेकिन आपके पास ऐसी एविडेंस होनी चाहिए, आप उनका मुकाबला करने की आपके पास शक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि कौन इन झंझट में फंसेगा, कौन, अपन तो ऐसे राजीनामा कर लेते हैं या किसी पुलिस वालों को एडजस्ट करके कोर्ट में चालान पेश करवा देते हैं। दोस्तों इससे कुछ नहीं होगा, समाज में आपकी बदनामी हो चुकी है, समाज भी ये मानेगा कि व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया होगा। तो आप उस व्यक्ति को दंडित किस प्रकार से कर सकते हैं? मान लो आप उस केस में आप मुलजिम बन गए, अंत में कोर्ट द्वारा साल या दो साल के बाद आपको बरी कर देता है एविडेंस के आधार पर कि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, तो उस एविडेंस के आधार पर बरी करना, कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो आप उसमें जो आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे उस व्यक्ति ने जो झूठे केस करे थे, उससे कोर्ट ने माना है कि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति पर झूठा फंसाया गया है, उस झूठा फंसाने के का कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट ने आपको बरी किया है, उस आदेश को की कॉपी लेकर आप किसी भी वकील के माध्यम से उस व्यक्ति पर मानहानि का केस कर सकते हैं। उस व्यक्ति पर अपने आपको अपमान किया है, आपको समाज के बीच में आपको बदनाम करने की कोशिश की है, और आपको साल दो साल कोर्ट में भी घसीटा है, आपका समय भी बर्बाद हुआ है, तो उस व्यक्ति को आप सजा दिला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कौन दो साल से बहुत पीछा छुटाया मैंने इस केस से, कोर्ट से, तो अब कहां जाऊंगा। तो दोस्तों इस सोच ने कि जो गलती है मत करो, उस व्यक्ति को सजा दिलाए, जहां से सजा आप उस व्यक्ति को दिलाओगे तो जो आसपास के पड़ोसी है, अपने रिश्तेदार है, उसको भी पता लगेगा कि वास्तव में इस व्यक्ति ने गलती नहीं की। अब ये व्यक्ति जो झूठे फंसाए उस व्यक्ति को अब सजा होने वाली है, क्योंकि आपने मानहानि का केस उनके ऊपर दायर कर दिया। इसलिए दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल मेरी तो राय ये है कि उसके खिलाफ आप मानहानि का केस ठोको, जिससे वो याद रहे कि किसी भी व्यक्ति पर झूठा केस करने से पहले 10 बार वो सोचेगा, जिंदगी में कभी भी वो व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा केस लगाने के से पहले ये सोच लेगा कि हम किसी भी व्यक्ति पर झूठा फंसाने का या झूठा केस करने का ये हमें इनाम मिला है। इसलिए दोस्तों वो बिल्कुल वो व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि आपको अगर कोई सताए तो आप बिल्कुल उसे व्यक्ति को इस तरह सताए कि वो जिंदगी में याद रखे। तो आपको अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी या झूठे केस आपके ऊपर लगाए हैं, तो बिल्कुल आप उन व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर सकते हैं और उन्हें सजा भी दिला सकते हैं। मानहानि के केस में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा प्लस जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, अगर वो मानहानि साबित हो जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा बहुत सारे केस, केजरीवाल जो CM है दिल्ली के, केजरी उनके खिलाफ भी मानहानि का केस किया था, बहुत सारे ऐसे जिनमें उनको माफी मांगनी भी पड़ी थी,
इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी उनको माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने चुनावी भाषणों में कहा कि वो व्यक्ति ने ऐसा किया, वो व्यक्ति इस प्रकार के चोर है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति पर आप उसे बदनाम नहीं कर सकते, उस पर बिना तथ्य के आप आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप आरोप लगाते हैं तो मानहानि के दायरे में आप आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो मेरी तो राय यह है कि आप उस व्यक्ति को सबक सिखाएं। अगर आप उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखाओगे तो वो व्यक्ति के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, उस व्यक्ति के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि आपको जीने भी नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे पड़ोसी होते हैं जो आए दिन उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े करते हैं कि ये कहीं ना कहीं तंग आकर ये घर छोड़ दे, ये घर खाली करके चला जाए और हम सस्ती दर पे हमें उपलब्ध हो जाए। बहुत सारे ऐसे पड़ोसी हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के पड़ोसियों से आपको डटकर मुकाबला करना है। उन व्यक्तियों को सबक सिखाना जरूरी है, और जब भी सबक मिलेगा जब आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, उसके खिलाफ मानहानि का केस ठोकोगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।